अजीत गरेवाल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन इस खबर से साडे नाल जुड़े है। गरेवाल जी, पंजाब नूं अग दा तंदूरा सी नहीं बनण दवांगे। विरोधी लगातार पंजाब नूं अग दा तंदूर बनाउणा चाहुंदे ने। मुख्यमंत्री दे बयान नूं किवें बीजेपी देख रही है? गल इह है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ गल्लां ही करदे आ। इह पहलां वी लास्ट चों ही आए हुए आ, उसे तरह दीआं गल्लां करदे आ। इन्होंने अज तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? पुलिस स्टेशन से हमला किसी विरोधी ने करवाया? पुलिस स्टेशन से हमला, इन्हों की पुलिस को जख्मी करता और उन्होंने ना गोली चलाई ना लाठी चलाई और उतो बंदा भी छुड़वा के लै गए, डर गए। इन्ना ज्यादा पत्रकार जिन्हों का कोई कसूर नहीं सी उन्होंने जख्मी करता। अज तक तुम मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? किसी का हथ कट के लै जाते, वीडियो पा देंगे तो पंजाब से काली नजर आ। तुरे तुसी कदे कर्नाटक फिरदे हो, कदे तुसी यूपी च फिरदे हो, केजरीवाल बच्चा इस तरह उंगल फड़ के लैके फिर रहे, कदे हिमाचल चले जाने। पंजाब दे अंदर अग लगी पई है, पंजाब च लोग दुखी ने, उत्थों अपने व्यापार बेच बेच के जा रहे ने। गैंगस्टर जिहड़े आ जेलां चों फरौतियां मंगी जांदे आ, उहनां दा कुछ नहीं तुसी कर पाउंदे। असीं बार बार कहा, असीं तां खुद कहा कि भाई असीं साथ देण नूं तैयार हां, सरकार दा नाल खड़े हैं पूरी तरह मुख्यमंत्री के पिछे। एक केस का मुकदमे का दर्ज करो, जो दोषी ने उन्होंने तो फड़ो। जदों तक उन्होंने नहीं पकड़े उदों तक कदम रुकेगा किस तरह? कल को किसी और पुलिस स्टेशन से कब्जा हो जाएगा तो तुम मुकदमा भी नहीं दर्ज कर सकते। और पुलिस तुहाडी फोर्सेस डिमोरलाइज हो रही ने। केंद्र ने भी कहा कि असीं तुहाडा साथ देने लई तैयार हाँ और दूसरे ने दी गल कर देंदे आ। इन्हां तो जो केजरीवाल कहिंदे ने उही इह बोलदे आ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੋ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। और जे इन्होंने पंजाब का हित नहीं ये और पंजाबी सारा कुछ समझते हैं, पंजाबी इन्ने पागल नहीं हूँ गलां बातों शिलाई बना लेंगे। इन्हों प्रैक्टिकली करना पैना, जीरो टॉलरेंस से काम करना पैना और सारी अपोजिशन इन्होंने नाल खड़ूगी। करन तो सही करते ही नहीं, अपोजिशन को कही जाते हैं। अपोजिशन उत्थे कितनी बची है? 92 सीटा इन्हों को पूरी फुल सारी मेजोरिटी इन्हों को, पर हुण पंजाब की जनता इन्हों के खिलाफ हुंदी जांदी है और वो समझ चुके ने। इसलिए इन्हों अपना रस्ता बदल के सच्चाई के रस्ते पर आके जीरो टॉलरेंस से काम कर। ठीक है, पर मुख्यमंत्री कहिंदे पल पल की इनफॉर्मेशन साडे कोल। हरजीत भुल्लर जुड़े है श्रोमणी अकाली दल तों। भुल्लर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विरोधी पंजाब नूं अग दे तंदूर च झोंकना चाहुंदे ने, पर असीं पल पल की इनफॉर्मेशन साडे कोल है, इस तरह नहीं होण देंगे। देखो गल इस तरह हैगी है भी नचना ना आवे अंगन टेढ़ा, वो हाल है पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का। और पंजाब के मुख्यमंत्री साहब नूं जदों केजरीवाल की चाकरी तो वेध मिलेगा तो ताही पंजाब वाल ध्यान देंगे। आप खालिस्तानियों के घर च रहन, आप ग्रोहन संधू ने पैसों के नाल जिहड़े राजनीति कर, और जिस दे नाल पंजाब दे विच हालात पैदा कर रहे हैं, गुंडागर्दी पैदा हो गई है, एवें दूसरे सिर के उत्ते मड़ी जाना, दूसरे सिर पर ठीकरा फड़ी जाना और आप कुछ ना करना, यह मंदभागा है पंजाब वास्ते। और वेदियर एक मुख्यमंत्री है, आप होम मिनिस्टर भी ने हो, और जिनी देर तक पंजाब के लोगों वाल पंजाब वाल ध्यान नहीं देंगे, केजरीवाल का पला छड़ के इतने पासे नहीं आएंगे, उदों तक दूषणबाजी जरा कर सकते ने, लेकिन पंजाब का भला नहीं कर सकते। पर विरोधियों से ही क्यों कटाक्ष मुख्यमंत्री ने कसया? भुल्लर साहब सवाल वड्डा है, विरोधी की पंजाब नूं वाकई अग दे जिहड़ी झोंकना चाहुंदे तंदूर च? गल इस तरह है कि जिहड़े खालिस्तानियां दे घरां च रहे हन, अज तक भगवंत मान ने कंडम नहीं किया, केजरीवाल ने कंडम नहीं किया, जिहड़ा पन्नू ने कहा भी अहीं इहनां दी सपोर्ट कीती, अहीं इहनां दा पैसा दित्ता इहनां नूं इलैक्शन लड़न वास्ते, साडे करके सरकार आई है। और जदों दे इह आए ने उदों दे हालात पंजाब दे जिहड़े विगड़दे जा रहे, दिन बाय दिन जिहड़े हैगे हालात विगड़दे जांदे आ। अगर अजनाला थाणा घेरिया जांदा तां इहनां दे हुंदिआं घेरिया जांदा, इह होम मिनिस्टर है, गलती इहदी कमजोरी इहदी है, किसी होर की थोड़ा कि भगवंत मान की कमजोरी है वाली, जे सा डीजीपी ने आरजी तौर पर लाए उन्होंने कमजोरी है, ये कोई जी ऑपोजिशन पार्टियां उन्होंने कमजोरी थोड़ा ना, उन्होंने करके थोड़ा ना होया। ये तो सिर्फ जदों आप को कुछ नहीं हो रहा, आप करना आता नहीं, अनपढ़ता देखती है ये और कमजोरी नजर आती है, कमजोर मुख्यमंत्री है तो एवं दूसरे सिर पर मड़ी जाना, भी भांडा दूसरे सिर तोड़ दो, भी अपने खिलौला दो जी। ठीक है, एडवोकेट रविंदर सिंह जुड़े है स्पोक्सपर्सन ने आम आदमी पार्टी। रविंदर जी, विरोधी कहते ने
कि जान बुझ के विरोधियों को भंडन की कोशिश हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर तुहाडे खुद तो मेनटेन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि विरोधियों की चाल है, क्यों लगता है पंजाब के चीफ मिनिस्टर? देखो जरा जमहूरीयत है विपक्ष का एक बहुत वड्डा थंब हुंदा, पर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम करे ते उही विपक्ष जे डिस्ट्रक्शन वाल चले जावे वह जमहूरीयत नूं ढा लाण दा, डेमोक्रेसी नूं ढा लाण दा काम करदा। प्रकाश सिंह बादल जदों बंदी सिंघां दा खत साइन करदे ने तो यह जवाब देना भुल जाने कि जो उन्होंने सरकार थी उन्होंने सेंटर को लिखा कि दविंदर सिंह भुल्लर सब तो खतरनाक आतंकवादी है तो इन्हों पंजाब की जेल से ना रखा जाए। जदों तुहाडी अपनी सरकार होवे दोहरे मापदंड नहीं चलते। भुल्लर साहब सुन लो, भुल्लर साहब सुन लो, दोहरे मापदंड नहीं चलते राजनीति के अंदर। लोगों के कोल अकाली दल जी अपने आप को पंथक पार्टी कहती है, जो अज ये गल कहे कि पंथक लोग आम आदमी पार्टी के हक च भुगत रहे। मैं भुल्लर साहब यह तो ऑन रिकॉर्ड गल है, अकाली दल सरकार ने सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जदों सीएम होंदे सीगे अकाली दल ने लिख के भेजा सीगा सेंटर नूं, जदों उन्हां दा भुल्लर दा दविंदर भुल्लर दा परिवार मंग करदा सीगा कि उन्होंने उन्हां नूं पंजाब च होना चाहिए। हालात खराब करने वाले जदों भुल्लर साहब ठंड रखो, अकाली दल हाशियत है। पंजाब के लोगों ने जिस तरीके अकाली दल नकारा नहीं उठ सकता 25 साल। तुसी इस गल जे तुसी कहो कि तुसी ये पंथक अग च झोंक के पंजाब दे विच कोई सत्ता प्राप्ति वाल अपने अपने आप कर लोगे तुहाडा भुलेखा है। पंजाब के लोगों का आपसी भाईचारा बहुत स्ट्रांग है। अकाली दल झोंक रहा है, यह तो बहुत वड्डा फिर तो अटैक किया गया रविंदर सिंह अकाली दल का राजनीतिक मॉडल ही रहा है कि जदों किसी होर दी सरकार। रविंदर जी देखो तुसीं बहुत वड्डी गल कही है कि पंथक अग च अकाली दल झोंक रहा है, सर अकाली दल का की कसूर है दसो तुसीं? रविंदर जी जेड़ा राजनीतिक मॉडल है तुसीं अकाली दल का राजनीतिक मॉडल देखो, जदों कांग्रेस की सरकार होंदी है तब धर्म के नाम के उपर राजनीति करनी है। तुसीं मैं नहीं कहता, इट्स एन ओपन सीक्रेट, जो कुछ पंजाब च हो रहा अकाली दल जिम्मेवार है उस लई, बिल्कुल जिम्मेवार है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है भुल्लर साहब तुसी जिम्मेवार हो, आम आदमी पार्टी ने थोड़े सिर ठिकरा भन्ने हैं, शायद मुख्यमंत्री साहब तुहानू यह कहना चाहते हैं। भुल्लर जी पिछले 30 साल का इतिहास चक के देखो, जदों पंजाब दे। ठीक है भुल्लर जी कुछ कह रहे हैं, रविंदर जी माजरत चो ना रोकना चाहूंगा, भुल्लर जी कुछ कहना चाहते हैं। हरजीत भुल्लर जी अकाली दल ने हमेशा पंजाब के हितों के विच पंजाब के लोगों की किसानी की नौजवानी की लड़ाई लड़ी है, हमेशा सेंटर के खिलाफ खड़े होकर डंडा चुक के खड़े हुए हैं अभी। और ये लोग जे आए ने पिट्ठू जे दिल्ली के केजरीवाल के पिट्ठू गल कर रहे हैं, जिन्होंने खालिस्तानी को पैसे खटे ने, जिन्होंने जाके बाहर खालिस्तानी कबाबी लोग हम शराब प्रकाश सिंह बादल भी जाके पीस देंगे, डेरे लाए थे लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे, फेल ने कुल फेलियर है गए ने, मुख्यमंत्री है होम मिनिस्टर भगवंत मान तौर भी फेलियर बंदा है जरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और इतों ही नहीं जोड़ा बंदा जाके जमड़ी वर्गी थान से भी दाचो जी लाल पैसा शराब पीती हुई ऐसे लोग पंजाब की श्रोमणी अकाली दल ते होर तेरा जिम्मेवार ने। देखो मुख्यमंत्री साहब ने कोई धिर दा नाम नहीं लिया पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन डायरेक्ट नाम लै रहे हैं। गरेवाल जी एक मिनट इन्हां नूं आम आदमी पार्टी नूं अपनी आदत सुधारनी चाहीदी है। अब इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता काफला क्यों लुटा, 1 साल हो गया तुहाडी सरकार आई नूं, हुण भी अकाली दल खराब कर गया ते कांग्रेस खराब कर गई जां बीजेपी ने खराब करता? अरे भाई पंजाब च पुलिस तुहाडे कोल, प्रशासन तुहाडे कोल, जिहड़े खराब कर रहे उन्हां भेजो इन्हां नूं जेल, तुसीं क्यों नहीं हालात ठीक करदे?
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਹਰ ਮੋਡਲ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੜਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ? ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤਮਾਨ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਭਗਵੰਤਮਾਨ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਧੁੱਕੇ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ